नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसके पार्ट बी को आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था मानव अंतःस्रावी तंत्र यानी ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया था हमने। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो है वहां तक कंप्लीट डिस्कशन हुआ था हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल, टेस्टिस और ओवेरीज, ये वाले ग्लैंड्स जो है वो हमारे अभी पेंडिंग है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड से हम स्टार्ट करते हैं आज। फोर्थ जो ग्लैंड है हमारे पास दैट इज थायराइड, थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो ग्लैंड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ रहेगी। तो थायराइड जो ग्लैंड है वो नेक में, यानी नेक रीजन जो होगा उस नेक रीजन में ये प्रेजेंट होगी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में, और इसकी शेप जो है वो अल्फाबेट एच की तरह होती है। जैसे अल्फाबेट एच होता है वैसी इसकी आकृति जो है वो रहेगी इस तरह से, यानी एच के आकार की ये होती है। इसका जो हार्मोन है वो होगा, जो ये हार्मोन सेक्रेट करती है उस हार्मोन का जो नाम है वो रहेगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन ये सेक्रेट करती है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये क्या करेगा, इसके जो फंक्शन है वो क्या रहेंगे। गोइटर के बारे में सुना होगा आपने, गोइटर जो डिजीज है उसको कंट्रोल करने का ये वर्क करता है थायरोक्सिन जो हार्मोन है। यानी आयोडीन की कमी से जब गोइटर जो बीमारी होगी उसको ये कंट्रोल करता है गोइटर को, घेंगा रोग जो होता है उसको कंट्रोल करेगा। इसका जो सेकिन हार्मोन है उसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है, जैसे इसका नाम दिया गया है कैल्सी, इट मींस कैल्शियम, ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्शियम का जो लेवल है ह्यूमन बॉडी में उस लेवल को डिक्रीज करने का वर्क करता है। इट लोअर्स द लेवल ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करेगा ह्यूमन बॉडी में, यानी जो स्टोन बनेंगे, जो स्टोन यानी जो पथरी की हम बात करें, किडनी स्टोन जो होते हैं स्पेशली, किडनी स्टोन को ये कंट्रोल करता है। किडनी स्टोन जो बनते हैं उनको कंट्रोल करेगा कौन, कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक रीजन में प्रेजेंट है, एच की इसकी शेप होती है, हार्मोन है इसमें थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन गोइटर को कंट्रोल करता है और जो कैल्सीटोनिन है वो कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, यानी किडनी स्टोन को कम करने का वर्क ये करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हार्मोन रहेगा हमारा जो हम डिस्कस ग्लैंड जो डिस्कस करेंगे दैट इज पैराथायराइड। पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जो ग्लैंड रहेगी हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड को बोलते हैं प्राउटू ग्लैंड जो होती है, पैराथायराइड। पैराथायराइड जो ग्लैंड है इसका जो हार्मोन रहेगा उसको बोलते हैं पैराथोर्मोन। पैराथोर्मोन जो हार्मोन है ये सेक्रेट करता है। इसकी जो लोकेशन की हम बात करें तो ये जो थायराइड जो ग्लैंड हमने डिस्कस किया था, थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल नीचे होता है, जस्ट बिलो द थायराइड ग्लैंड, इसके बिल्कुल नीचे ये रहेगा, जिसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। थायराइड ग्लैंड जो है वो, पैराथायराइड जो ग्लैंड रहेगी वो इस तरह से होगी। पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसके फंक्शन क्या रहेंगे, जो यानी पैराथायराइड यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसका एंटी इसको बोला जाता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एंटी थायराइड। एंटी थायराइड कैसे होगा, उसमें कैल्शियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होता है, यहां पर कैल्शियम का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा।
यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड है उस कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी कैल्शियम से बनी होती है बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में नेक्स्ट जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल जो ग्लैंड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कहां रहेगी, किडनीज पर। ह्यूमन बींग्स में टू किडनीज है, तो नंबर सिक्स पे रहेगी आपकी एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो कहां प्रेजेंट होती है, उसकी लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन जो है वो रहेगी इसमें किडनी पर। किडनी जो है बीम शेप की जो किडनी होती है, यहां पर इसके ऊपर इसकी लोकेशन रहेगी दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ जो है ये प्रेजेंट होती है, यहां पर भी ये प्रेजेंट होगी। तो ये है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स, टू एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड्स का जो फंक्शन रहेगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का जो सबसे मुख्य कार्य है वो रहेगा कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को कंट्रोल करता है। एड्रेनल जो ग्लैंड है वो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, यानी हमारे इमोशंस क्या हैं, हमें डर लगता है, फियर जो है वो हमारा इमोशन रहेगा, ईर्ष्या जो करते हैं हम किसी दूसरे के साथ में, जेलस जो रहेगी वो हमारा इमोशंस है, डर। उसके बाद में कुछ और इमोशंस भी है हमारे जिसमें हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी अचानक कुछ ऐसा हो, सडन कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो हार्ट बीट इंक्रीज होगी, तो हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है एड्रेनल ग्लैंड जो है वो। तो एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद में जो सेकेंड इसका फंक्शन रहेगा वो क्या है, इट कंट्रोल द लेवल ऑफ फैट प्रोटीन, फैट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन ब्लड। ब्लड में जो फैट का लेवल है या प्रोटीन का जो लेवल है या कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है कौन, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड उसको भी कंट्रोल करेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें, इट आल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स इन ब्लड। ब्लड में जो वाटर का परसेंटेज है या हम कहें मिनरल का जो परसेंटेज है उसको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि किडनीज में ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है और जितना ज्यादा ब्लड यहां आएगा उस ब्लड में वाटर का लेवल अच्छा है तो किडनी उसको इजीली प्योरीफाई कर सकता है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड के जो है वो फंक्शन रहेंगे। उसके बाद में मिनरल्स के बाद में एक करेक्टर और भी है इसके अंदर, एक नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा जिसको हम इंपोर्टेंट में भी मार्क कर सकते हैं, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं यहां पे। इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी
सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स और फीमेल्स का जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है, एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तो पता नहीं चलता कि वो बच्चा है या फिर लड़की है, गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। अक्सर लोग उससे पूछ लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, बट आफ्टर द एज ऑफ पबर्टी यू डोंट आस्क फ्रॉम एनीबडी हु इज ही और सी एक्सेट्रा, तो ये लड़का है लड़की है उसके बारे में कभी पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके सेक्सुअल करेक्टर नजर आते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है अपना एड्रेनल जो ग्लैंड है वो रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे एड्रेनल के बाद में टेस्टिस। तो यहां तक हमने एड्रेनल ग्लैंड को डिस्कस किया, उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड रहेगा हमारा टेस्टिस, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी। टेस्टिस जो है वो सिर्फ मेल्स में होते हैं। अभी तक जो ग्लैंड हमने पढ़े हैं वो मेल्स और फीमेल दोनों के पढ़े हैं, बट जो टेस्टिस है वो सिर्फ फीमेल सॉरी मेल्स में है। टेस्टिस टेस्टिस जो है ये लोअर अबडोमिनल में होंगे, एक्स्ट्रा लोअर अबडोमिनल भी बोल सकते हो आप, एक्स्ट्रा लोअर अबडोमिनल अबडोमिनल में ये प्रेजेंट होंगे। इनके साथ में स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम जो स्पर्म को सेक्रेट करता है, स्पर्म्स को सेक्रेट करता है। स्पर्म्स क्या होते हैं? मेल सेक्स सेल्स, मेल सेक्स सेल्स को ये सेक्रेट करता है। लोकेशन होगी इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका हार्मोन कौन सा है, तो इसमें जो हार्मोन सेक्रेट होगा उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ये वाला हार्मोन ये सेक्रेट करेगा। इस हार्मोन की वजह से क्या होगा, एक तो सेक्सुअल करेक्टर जो है वो इंक्रीज होंगे। सेक्सुअल करेक्टर मींस हेयर्स में, यानी जो दाढ़ी है मूछ है उनकी बात हम कर रहे हैं कि वो करेक्टर मेल्स में शो करते हैं। वॉइस, वोकल कॉर्ड्स जो है वो ज्यादा ओपन होंगे, ओपनिंग्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स ज्यादा ओपन होंगे तो ये आवाज जो है वो ज्यादा मोटी रहेगी। फीमेल्स की आवाज देखा होगा आपने बिल्कुल तीखी होती है, बट मेल्स की जो साउंड है वो बेसिकली थोड़ी ज्यादा लाउडर रहती है, तो वो उस वजह से रहेगी कि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो है वो वॉइस का यानी वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। यहां पर जो मसल्स होंगे उन मसल्स को ये स्ट्रोंग बनाता है एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल के मुकाबले में हम बात करें तो इनके मसल्स जो है वो स्ट्रोंग होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। उसके बाद में हम ये बोल सकते हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस जो होता है उसकी एनलार्जमेंट, यानी जो एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का एक ऑर्गन है जो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है उसकी एनलार्जमेंट होगी, जहां से स्पर्म का इजेकुलेशन होगा वहां उसकी एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन रहेगा वो वाला। उसके बाद में वॉइस का हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर का हो गया और स्पर्म फॉर्मेशन का हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस हो गया। तो टेस्टिस जो ग्लैंड है वो लोअर अबडोमिनल में प्रेजेंट है, स्क्रोटम जहां पर होगा, वृक बोलते हैं इसको हिंदी में, तो वृक जहां पर प्रेजेंट होते हैं तो वहां ये प्रेजेंट रहेंगे टेस्टिस। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट जो ग्लैंड रहेगी दैट इज ओवेरीज। ओवेरी जो है उसको डिस्कस करते हैं हम। जैसे टेस्टिस सिर्फ मेल में प्रेजेंट हैं, ओवेरी जो है वो फीमेल्स में होंगे सिर्फ। ओवेरीज कहां होंगे? फीमेल्स में, मेल्स में नहीं है ये ओवेरीज। ओवेरीज जो है वो कहां होंगे? फीमेल्स में। कहां होंगे ये? अबडोमिनल
अब्डोमिनल यानी लोअर अब्डोमिनल में, लोअर अब्डोमिनल रीजन में ये प्रेजेंट है। इनके जो हार्मोन है वो होंगे प्रोजेस्टेरोन और एक होता है ओस्ट्रोजन। ये दो तरह के हार्मोन हैं जो यहां पर सेक्रेट होंगे। इनके फंक्शन क्या रहेंगे? सबसे पहला तो स्केंड्री करेक्टर, स्केंड्री करेक्टर जो है वो यानी फीमेल्स में क्या होता है, एक तो जो मसल्स हैं वो इनके स्मूथ रहेंगे, स्मूथ मसल्स जो है वो इनका फर्स्ट फंक्शन होगा। सेकेंड जो है वॉइस, इनकी जो वॉइस है उसकी पिच थोड़ी ज्यादा रहती है, इंटेंसिटी पिच जो है यानी तीखी आवाज रहेगी, वॉइस बॉक्स जो है वो कम खुलता है। थर्ड पॉइंट हम बात करें तो ये जो प्रेगनेंसी होती है उस प्रेगनेंसी के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में एक होता है प्रोसेस ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। ओव्यूलेशन क्या होता है, जो फिलोपियन ट्यूब है वो ओवेरी के साथ अटैच होती है, फिलोपियन ट्यूब जो है वो ओवेरी के साथ अटैच होती है और ओवेरी में एग्स होते हैं। इन एग्स को ओवा भी बोल सकते हैं। एग्स और ओवा ये क्या है, फीमेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स है ये। फीमेल सेक्स सेल्स 28 डेज में जहां से एग रिलीज होकर के यूट्रियस में आता है। जब ये यूट्रियस में आएगा तो यानी आएगा कब, जब वहां से बाहर निकलेगा तो वहां से जो एग रिलीज होगा उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में ये हेल्प करता है कौन, जो हमने डिस्कस किया कौन सा ग्लैंड, ओवेरीज, जो फीमेल्स में सिर्फ प्रेजेंट है। ये हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया वन बाय वन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड, ओवेरीज ग्लैंड, ये टोटल ग्लैंड्स हमारे डिस्कस हो गए। उसके बाद में जो थे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, अब एक ग्लैंड आपको मैं बताऊंगा जो थाइमस जो ग्लैंड है, थाइमस जो ग्लैंड है जो थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है, थाइमस ग्लैंड ये एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो चाइल्ड में प्रेजेंट है। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो चाइल्ड में प्रेजेंट होता है, जो हार्मोन सेक्रेट करेगा उस हार्मोन को बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन ये सेक्रेट करता है। थाइमोसिन हार्मोन का जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, यानी WBC जो होते हैं, WBC वाइट ब्लड कैप्सल्स, वाइट ब्लड कैप्सल्स का क्या करेगा ये, एक तो करता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी उनसे नए नए जो सेल्स बनेंगे उसमें हेल्प करेगा, और एक करेगा ये डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, इट मींस WBC वाइट ब्लड कैप्सल्स, लिम्फोसाइट्स ही WBC होते हैं। तो थाइमस जो ग्लैंड है जो थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, थाइमोसिन हार्मोन क्या वर्क करता है, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट, इट मींस WBC। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो हमने डिस्कस किया कंप्लीट टू पार्ट्स में, पार्ट ए एंड बी, जिसने पार्ट बी देखा है वो ए भी जरूर देखें, उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो ग्लैंड्स हमने डिस्कस किए वो यहां पर लिखे हुए हैं, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसी के साथ हमारा ये वीडियो पूरा हुआ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।